खबर जनपद नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने कहा कि 25 सितंबर तक बीजेपी का प्रथम चरण में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में संगठन के अनुरूप 19 जिले हैं और सभी जिलों के एक एक मंडल में जाकर वो सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। अब इस बार प्रथम चरण में 30 लाख लोगों की बीजेपी में सदस्यता का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने नैनीताल दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष मुकेश बोरा के मामले में कहा कि भाजपा का कोई भी बड़ा नेता मुकेश बोरा को नहीं बचा रहा है। मामला न्यायालय में चल रहा है और न्यायालय के आदेश से ही मुकेश बोरा के घर में कुर्की हुई है, तो वहीं मुकेश बोरा को भी पुलिस जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजेगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। गठ पर्व के तहत हमारा सदस्यता अभियान का प्रथम चरण चल रहा है, जो 25 सितम्बर तक दीनदयाल जी की जयंती तक चलेगा। उद्देश्य प्रदेश के सभी पदाधिकारी अध्यक्ष होने के नाते मैंने भी तय किया है कि मैं पूरे प्रदेश के जो हमारे संगठन 19 जिले हैं, प्रत्येक जिले में जाकर एक विधानसभा एक मंडल में मैं समीक्षा करूंगा, क्योंकि मुझे बताते खुशी है कि अभी हमने लगभग 7 लाख सदस्य हमारे आज की तारीख तक बन चुके हैं और हमारा लक्ष्य है कि हम 50% प्रथम चरण में पूर्ण कर दें। तो लगभग 30 लाख के लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा की ओर कार्यकर्ताओं का सदस्यता का अभियान में जुटना, ये सब कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने का विषय है और हर वर्ग हर जाति हर क्षेत्र के नागरिक हम जिनके 18 साल उम्र हो चुकी है उनको भाजपा से जुड़े, उद्देश्य के कार्यक्रम इस बीच हमारे चल रहे हैं।